हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। साउथ कोरिया में आए हैं एक नए प्रेसिडेंट योन सुक ह्यूल, जिन्होंने आते साथ ही भारत के बारे में काफ़ी अच्छे बातें कही हैं, मगर नॉर्थ कोरिया को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और जो पिछले सारे प्रेसिडेंट्स को पछाड़ देते हैं अग्रेशन, तो इसी बारे में इस वीडियो में करेंगे चर्चा। तो जो नए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यून, इनका स्टांस इतना अग्रेसिव है कि अभी के लिए इन्हें साउथ कोरिया का ट्रंप बताया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं साउथ कोरिया का पड़ोसी देश है नॉर्थ कोरिया, जो आए दिन टेस्ट करते रहता है और न्यूक्लियर मिसाइल फायर करते रहता है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। तो पहली बार इन साउथ कोरियन हिस्ट्री किसी प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नॉर्थ कोरिया पर पहले हमला कर देंगे कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया हम पर हमला करें। बट नॉर्थ कोरिया को साइड में रखा जाए तो इनका सबसे मेन मोटिव ये है कि ये चाहते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों के साथ इनके रिश्ते और भी मजबूत बने, और ये चाहते हैं कि इनके कार्यकाल में ये कैसे भी करके साउथ कोरिया को 5वां मेंबर बनाए क्वाड का। प्रेसिडेंट यून की अग्रेसिव नीति का एक ही बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की, बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया के साथ, मगर नॉर्थ कोरिया इतना स्मार्ट निकला कि उसने हर बार वो मीटिंग्स अटेंड की, कुछ झूठे वादे किए, और वो इन मीटिंग्स के द्वारा सिर्फ समय खरीद रहा था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जितना ज़्यादा समय मिला वो उतने ज़्यादा मिसाइल्स टेस्ट कर पाया। और अंत में हुआ क्या कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिश्ते अच्छे तो हुए नहीं, बट नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली अपनी मिसाइल्स बनाकर तैयार कर ली। इसीलिए साउथ कोरिया अभी के लिए कोशिश कर रहा है कि मई 2022 के अंत तक वो क्वाड का एक ऑब्जर्वर मेंबर बन जाए, जिससे होगा क्या कि वो अपने कदम अभी के लिए क्वाड में जमा पाएगा, फिर अगर 3 से 4 साल या फिर उससे कुछ साल ज़्यादा तक साउथ कोरिया क्वाड का ऑब्जर्वर मेंबर रह गया तो फिर उसे परमानेंट मेंबर बनने में देर लगेगी नहीं। इन सब को देखते हुए एक देश को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है, और जो है चाइना। चाइना का ये सब देख के टेंशन शुरू हो गई, जिसके बाद चाइना का फेमस प्रोपेगेंडा टूल ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि साउथ कोरिया को ध्यान देना चाहिए कहीं वो क्वाड के लिए एक शतरंज का प्यादा ना बनकर रह जाए। प्रेसिडेंट यून अभी के लिए ये चाहते हैं कि करेंटली साउथ कोरिया में 1000 से भी ज़्यादा परमानेंट अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स मौजूद हैं, और वो चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर और ज़्यादा किया जाए, और वो चाहते हैं कि जैसी सिक्योरिटी और सेफ्टी अमेरिका देता है जापान को, उसी तरह की सेम सिक्योरिटी और सेफ्टी मिले साउथ कोरिया को। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भारत को कोई भी आपत्ति नहीं है साउथ कोरिया के साथ, क्योंकि हमने बहुत बड़ी डिफेंस डील्स की है साउथ कोरिया के साथ, उनसे बहुत से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, और साउथ कोरिया के साथ हमारे रिश्ते शुरुआत से ही अच्छे हैं। एक बस प्रॉब्लम यह है कि प्रेसिडेंट यून का जो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव स्टांस है नॉर्थ कोरिया का, हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर साउथ कोरिया क्वाड का एक परमानेंट मेंबर बन जाए तो फिर वो धीरे धीरे बाकी के मेंबर्स को पर्सुएट करे या फिर उन्हें मनाने की कोशिश करे कि नॉर्थ कोरिया पर भी कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि अभी के लिए क्वाड का सबसे मेन फोकस है चाइना को काउंटर करना। तो एक हाई चांस ये है प्रेसिडेंट यून का बिहेवियर देखते हुए कि अगर वो परमानेंट मेंबर बन गए क्वाड का तो वो कभी न कभी या फिर हर कुछ कुछ दिन में नॉर्थ कोरिया का मुद्दा उठाकर कोशिश जरूर करेंगे कि क्वाड नॉर्थ कोरिया पे कुछ एक्शंस लें, जिसका एक ही डिसएडवांटेज होगा कि जो की और सोल प्रिंसिपल है क्वाड का टू काउंटर चाइना, वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।